आपको बताते चले, पूरा मामला मैनपुरी जनपद के कोतवाली क्षेत्र के गवाटोही गांव के ही पूर्व प्रधान श्री कृष्ण यादव ने आरोप लगाया है कि रामल रेते, जो कि पूर्व सैनिक थे, 1990 में रामल रेते की भर्ती सेना में हुई थी। ये 1997 में जाकर वही श्री कृष्ण का आरोप है कि फूलमाला देवी ने अपना खुद नौकरी पाने के लिए मरवा दिया और फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी पाना चाहती थी तो नौकरी नहीं मिल पाई, जिसके बाद वही फूलमाला के संबंध में दूसरे व्यक्ति से बन गए जिसके बाद वही फूलमाला के संबंध दूसरे व्यक्ति से बन गए जिससे उनके दो बच्चे हैं। वही आज विधवा के नाम पर सरकारी पैसा ले रही है और जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं वह भी ले रही है। है कि 1990 के करीब जाके हमारे गांव के राम ललड़ थे, सनोप कप्तान थे, मिलिट्री में भर्ती हुए थे। उसके बाद उनकी शादी हुई, शादी हुई है उनकी पत्नी का नाम फूलवाला था। 1997 से पहले विनोद के और फूलमाला के संबंध हो गए और दिल्ली में जाके रहने लगे। इन्होंने प्लानिंग के तहत अपने पति को मरवा दिया। उसके बाद नौकरी मृतकार्थ में नौकरी पाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, सारे फर्जी दस्तावेज बनाकर, लेकिन नहीं हुई। इन्होंने उसे जहर देकर RR हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा। आपको मैं इस केस में बताना चाहूँगा कि ये केस अभी मेरे एक मिनट पहले मेरे समक्ष आया हुआ है जी। और जैसा मैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से समझ पा रहा हूँ कि राम लड़ेते जी की मृत्यु हो सकता है संदेहास्पद हो, जिसके बारे में मेरे पास अभी कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, केवल इस एप्लीकेशन के आधार पर। और उनकी जो विधवा है, उनके शायद किसी व्यक्ति से उनकी शादी हुई है, वो देवर भी हो सकते हैं रिश्ते में, और उनका बच्चा है। एप्लीकेशन में लिखा गया है कि वो पेंशन ड्रॉ कर रही हैं 1997 से। और इसमें जो आवश्यक कार्यवाही होगी जो नियमानुसार, उसमें हम लोग शीघ्र से शीघ्र उसकी कार्रवाई करने की कोशिश करें। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।